Hi guys, welcome to my channel. So today I'm going to do a simple hairdo, which I do it every day when I go to office. Yeah, so you see my hair is quite curly, bahut curly hai my hair, and after I did my straightening, when the hairs are coming back to their originality, then it looks even more odd. तो अभी तक मेरे नीचे के बाल स्ट्रेट हैं, ऊपर के कर्ली हैं और मेरे हेयर्स बहुत फ्रीजी हैं बिकॉज मेरे छोटे छोटे हेयर्स हैं ऑन माई हेड. एंड अगर मैं सिंपल पोनी या फिर सिंपल यू नो बैक क्लिप लगा कर जाती हूँ तो इट लुक्स वेरी मेसी, वेरी 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 मेसी. सो वॉट आई डू आई विल टेल यू वेरी क्विक, वेरी क्लीन. It's a everyday hair do I do, and it's very simple. Things you needed to do the simple bun on your head is, this is Gatsby, it's a hair styling gel. You can take it any brand. I use this brand because this holds the hair for very long, and if you see, it's a wet and hard. It's wet and hard, so you can, there are lot of options. Wet hard bhi hota hai, normal hard bhi hota hai. So one is this one comb, rubber band bhi aap use kar sakte ho, jo black rubber bands hote hain. To main ye use karti hu, ye zyada sturdy hai. Aur bun ko tie karne ke liye main ye simple ye curl wale jo hair bands hote hain wo, and few clips. So yeah, this is what we do. So okay, clearly comb lijiye, and then I just brush my hairs very cleanly. So first brush your hairs very cleanly. ये मैंने brush कर लिया. अगर कुछ hairs निकले होंगे तो आप उसको aside कर लें. And then ये अभी front camera है तो it is showing उल्टा. So I'll take the gel in my hand. Like this. You can put little bit water, but my hair is too frizzy. तो मैं बहुत नहीं करती हूँ, तो मैं हाथ से मलती हूँ. And just ऊपर roots में नहीं लगाए, ऊपर and नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ ऐसे ये लिए. फिर आप अपने हेयर को जैसे बनाना चाहते हैं वैसे उसको सेट कीजिए. पहले ये कर लिया, अभी कॉम से उसको पूरी तरह सेट करना है. सो अभी मैं हेयर्स को स्ट्रेस सेट करती हूँ. तो ये हुआ मुझे जैसे चाहिए. मुझे थोड़ा हाई बन पसंद है, मुझे थोड़ा लो बन नहीं जमता है मेरे को. तो ये आपने सो और थोड़ा पोनी को थोड़ा सा टाइट रखें. सो या दिस इज़ डन. सो नाउ आई एम होल्डिंग इट, आई एम यूजिंग दिस रबर बैंड. आई हैव पुट इन अ प्लेस लाइक लिटिल हाई. सो इधर देखिए थोड़ा हाई है. नाउ आई विल जस्ट थोड़ा सा टाइट करेंगे. तो ये हो गया आपका पोनी. ठीक है, अभी जो यहाँ पे आपके हेयर्स जो निकल रहे हैं, यहाँ से देखिए मैं आई हैव शॉर्ट हेयर्स, तो ये सब निकल रहे हैं. आप फिर से थोड़ा सा जेल लो, फिर से थोड़ा सा जेल लो. मैंने इनको सेट कर दो. सो पहले आप फ्रंट को सेट कर दो, फिर थोड़ा और ले, थोड़ा और लेना है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा. और पीछे का भी बाल, क्योंकि मेरे बाल नीचे छोटे हैं तो पीछे के बाल जो हैं वो सारे ऐसे लटक जाते हैं नीचे की तरफ. तो अभी देखो ये मैं अभी कॉम से सेट करती हूँ. सो आई विल सेट ऑल माय हेयर्स लाइक दिस, ऐसे पीछे भी सब सेट कर लिया. अभी ये इसको आप थोड़ा टाइट कर लें, एंड देन इसको होल्ड करें, और या तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें तो क्या होगा, आपका पोनी थोड़ा हैवी लगेगा. तो
ये मैं यहाँ स्ट्रैंड रखती हूँ एंड ये मेरा कर्लिंग को मैं यहाँ डाल के इसको घुमा देती हूँ एंड देन लीव इट। सो नाउ यू सी इट इज़ वेरी क्लीन, पूरा क्लीन है एकदम, आपका फेस भी क्लीन लग रहा है। नाउ टू एडजस्ट फ्यू हेयर्स जो कि जो आपने जो ये जेल लगाने के बाद पीछे हेयर्स को ये किया है, तो वो एक्स्ट्रा हेयर्स जो हैं वो थोड़ी देर बाद थोड़े से खड़े हो जाते हैं, तो जस्ट रिक्वायर्ड प्लेसेस में आप ये दो चार पिन लगा लें। सो पहले ये फोर हेड के बीच में यहाँ पर दो पिन लगा लें, फिर ये जहाँ आपके बाल थोड़े थोड़े निकले हों। सो अभी मैं साइड्स में करती हूँ, सो ये साइड्स हो गए, अभी पीछे पीछे की तरफ इधर। सो ताकि आपके बाल सारे सेट हो रहे, एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़े से बाल ऐसे निकल गए मेरे, तो ठीक है कोई बात नहीं, आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे एक और क्लिप लगा ले। सॉरी, क्लिप लगाते समय आप देखिएगा कि पूरे बालों के थ्रू जाए। सो या दिस हेयर को आप थोड़ा सा और लूज करके, सो ये आपका बन तैयार, एंड आपका हेयर्स भी बहुत क्लीन है, फ्रिजी भी नहीं लग रहा है, और ये ऑल डे ऐसा ही रहता है अनलेस यू कम बैक एंड कॉम बैक योर हेयर्स। सो गुड थिंग, एक बहुत सिंपल टिप है, अगर आप इस तरह के जेल लगाते हैं तो घर आकर आप उसको खोल लें और एक बार ब्रश कर लें, क्योंकि वो थोड़ा बाल थोड़े स्टिफ हो जाते हैं, बट ये जो ग्लॉसी फिनिशिंग वाले हैं ये आपके हेयर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ग्लॉसी लगते हैं, एंड ये बहुत देर तक आपके स्टे रहता है आपका ये बन। सो दिस इज़ अ वेरी इजी बन आई डू एवरी डे बिकॉज मेरे हेयर्स इतने कर्ली हैं, मैं कोई भी स्टाइलिंग करूँ इट डजेंट लुक नाइस। सो द बेस्ट थिंग आई डू इज दिस, ये हर तरह के आउटफिट में चला जाता है, आप इसे इंडियन वेयर में पहन सकते हैं, वेस्टर्न वेयर में पहन सकते हैं, सो एनी थिंग। सो दिस इज़ माई सिंपल हेयर। अच्छा, एक और मैं सिंपल टिप देती हूँ, देखिए थोड़ा सा हेयर्स निकले हुए हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, इसको आप वापस खोल सकते हैं, वापस कोम से थोड़ा सेट कर लो इसको, एंड देन इसको वापस अच्छे से जिस तरह से आप घुमाना चाहते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं एंड क्लॉकवाइज भी। सो मैं थोड़े से बाल को ऐसे फिर ओपन अप कर लेती हूँ, थोड़े से ऐसे ओपन अप कर लेती हूँ, तो ये हो गया मेरे बन। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।